एक्सटर्नल करेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल करेक्टर्स। कल हमने इसमें दूसरी वीडियो में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के, जब पैरामीटर्स हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स में हम क्या क्या देखते हैं, उस क्रूड ड्रग का शेप, साइज, ऑर्डर, कलर, एक्स्ट्रा फीचर्स, ये होता है टेस्ट, वही चीजें इसमें भी कि उसके एक्सटर्नल करेक्टर्स हम देखेंगे। द मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर वेरीज फ्रॉम प्लांट पार्ट टू पार्ट, हर प्लांट पार्ट के उससे अलग अलग वेरी कर सकता है। द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कंसिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम, राइजोम्स, लीफ, फ्रूट्स, बार्क, सीड्स एक्सेट्रा। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कंसिस्ट ऑफ गम, एक्सट्रैक्ट, लेटेक्स एक्सेट्रा। पहले हमने पढ़ा उसमें क्या होता है, अगर जो ऑर्गेनाइज्ड है वो किसी प्लांट का पार्ट होगा, जैसे कि लीफ, स्टेम, रूट, राइजोम्स कुछ भी, और अनऑर्गेनाइज में गम, ठीक है, एक्सट्रैक्ट और लेटेक्स। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स में, अगर रूट होगा तो वो रवोल्फिया, स्टेम होगी तो एफेड्रा, राइजोम्स होंगे तो जिंजर, बार्क होगी सिनामोन, लीफ होगा तो विंका या सेना, फ्लावर बर्ड क्लोव, फ्रूट कोरिएंडर या फेनल, सीड नक्स वोमिका या कार्डामम, ड्राइड जूस एलो, ठीक। अब इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में क्या होगा, इसमें होगा मेरिट्स में इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि हमें सारा उसका पता है, प्लांट के पार्ट का कौन सा है, ये क्या है, देख के भी हम बता सकते हैं। इवन इफ द केमिकल कॉन्टेंट और एक्शन ऑफ द ड्रग इज नॉट नोन, द ड्रग कैन बी स्टडीड प्रॉपरली। अगर हमें उसके केमिकल कंटेंट और उसके यूजेस के बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी हम इसको देख के प्रॉपर उसकी स्टडी कर सकते हैं उस ड्रग के बारे में। इट गिव्स आइडिया अबाउट द सोर्स ऑफ द ड्रग। अब यहाँ से जब हमें ड्रग दिख रही है तो प्रॉपर उसके बारे में पता लग रहा है कि ऑर्गेनाइज है नहीं, अनऑर्गेनाइज है, उसमें हम उसके सोर्स के बारे में भी हमें उसका पता लग जाएगा। इट गिव्स आइडिया वेदर इट इज ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, यहाँ से हमें ये भी पता लग जाएगा कि ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज है। डीमेरिट्स में क्या आएगा, ड्यूरिंग कलेक्शन, ड्राइंग एंड पैकिंग, मॉर्फोलॉजी ऑफ ड्रग चेंज, जब हम कल्टिवेशन कलेक्शन करते हैं उनकी, तो उनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है, दे आर डिफिकल्ट टू स्टडी, उस टाइम फिर वो स्टडी करना उनको डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद आती है हमारे पास फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, दिस क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उनको ग्रुप बनाया गया उनका एज अ फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है उस हिसाब से ड्रग्स को कैटेगराइज किया गया, और थेराप्यूटिक यूज ऑफ एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिटेंट इन रूट ड्रग्स। इसके हमें बताया गया, जैसे सबसे पहले आएगा ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईडी। अब इसमें आएगा जैसे पहले बिटर, और उसकी एग्जाम्पल होगी सिंकोन, एमिडिक, एपिकैट, कार्बिनेटेड, फेनल, कोरिएंडर, लैक्सेटिव, इसबगोल, बनाना, ठीक। ऐसे ही बाकी भी होएंगे, जैसे ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईडी का, ठीक है। उसके बाद ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें एक्सपेक्टोरेंट, एंटीड्यूसिव, ब्रोंकोडायलेटर्स, ऐसे उनकी एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे एक्सपेक्टोरेंट बासा का लिकोराइस, एंटीड्यूसिव में ओपियम, ब्रोंकोडायलेटर्स में टी। उसके बाद ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स, कार्डियोटॉनिक डिजिटेलिस, कार्डियो डिप्रेसेंट सिंकोना, वेजोकंस्ट्रिक्टर एर्गेट, एंटी हाइपरटेंसिव प्रोबोल्फिया।
ऐसे ही फार्माकोलॉजिकल उनके एक्शन और उनके यूजेज ऑफ थेरापेटिक यूज के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया गया। इसके साथ सारी एग्जांपल्स भी दी गई है। इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है? इफ वी नो द फार्माकोलॉजिकल एक्शन इट इज इजी टू स्टडी द ड्रग। अगर हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में पता होगा हम ड्रग को इजीली प्रॉपरली उसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन डीमेरिट्स क्या होंगे? डीमेरिट्स होगा सम ड्रग्स हैव टू डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू क्लासिफाई देम। कुछ में क्या होता है दो डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं किसी के वो स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल नक्स वोमिका इज सीएनएस स्टिमुलेंट। नक्स वोमिका जो है वो सीएनएस स्टिमुलेंट है एज वेल एज बिटर टॉनिक। बिटर टॉनिक भी है और सीएनएस स्टिमुलेंट। और अगर हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से चलेंगे तो फिर ये दो है तो वो हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। सिंगोना इज बिटर टॉनिक एज वेल एज एंटी मटीरियल एंड एंटी पायरेटिक। ठीक है, जिसके एक से ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन होंगे वहाँ पे हमारी यहाँ पे स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ड्रग्स डैट हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैव टू बी ग्रुप्ड टुगेदर। नो आइडिया वेदर ड्रग्स आर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। इसमें भी हमें ये पता नहीं लगेगा कि वो ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज है क्योंकि हमें उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पता है। दिस मेथड डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट द सोर्स ऑफ द ड्रग। यहाँ से हमें सोर्स के बारे में पता नहीं लगेगा। उसके बाद आती है हमारे पास फिफ्थ केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? इन केमिकल क्लासिफिकेशन ग्रुप ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट आर एस फॉलोज। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स में इसमें जैसे एल्कलॉइड्स उसकी एग्जांपल्स दी हैं कि सिंगोना ददूरा विनका एपिकैट। ग्लाइकोसाइड्स सेना एलो ग्लिसरेजा डिजिटेलिस। कार्बोहाइड्रेट्स एंड डेरिवेटिव्स उसमें कैशिया ड्रगागन स्टार्च ईसबगोल। वोलाटाइल ऑयल क्लोव कोरिएंडर फेनल कोरिएंडर सिनामोन। उसके बाद रेजिन एंड रेजिन कॉम्बिनेशंस में बेंजोइन टोलू बालसम बालसम ऑफ पेरू टैनिंस कटेचू एंड टी एंजाइम्स पपेन ट्रिप्सिन लिपिड्स बीस बैग्स कोका बटर लेनोलिन। इसके मेरिट और डीमेरिट्स। इसके मेरिट डीमेरिट्स में इफ वी नो द केमिकल कॉन्स्टेंट इट इज इजी टू स्टडी द ड्रग। अगर हमें केमिकल कॉन्स्टेंट के बारे में पता होगा तो हम ड्रग को इजीली पढ़ सकते हैं। डीमेरिट्स में इट डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट द सोर्स ऑफ द ड्रग बिकॉज हमें इसमें केमिकल्स के बारे में पता है कि वो एल्कलॉइड्स प्रेजेंट है लिपिड्स प्रेजेंट है रेजिन्स प्रेजेंट है लेकिन इसके बारे में सोर्स के बारे में पता नहीं लग सकता है आपसे। सम ड्रग्स कंटेन इंपॉर्टेंट केमिकल्स सो इट इज डिफिकल्ट टू क्लासीफाई देम। एग्जाम्पल नटमेग कंटेन्स वोलेटाइल ऑयल एज वेल एज फैट्स। यहाँ पर भी वैसे ही एक से ज़्यादा अगर होंगे वहाँ पर हमें थोड़ा स्टडी करने में डिफिकल्टी आएगी। सिलिकोना कंटेन्स ग्लाइकोसाइड्स एज वेल एज एल्कलॉइड्स। यहाँ पर भी हमें उनके केमिकल्स के बारे में पता है लेकिन ये नहीं पता लगेगा कि वो ड्रग ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज। लास्ट है हमारे पास कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। कीमो टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स विच हैव कीन फाउंड टू बी कैरेक्टराइजिंग सर्टेन ग्रुप्स। कीमो टैक्सोनॉमी इस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द पोजिशन ऑफ द प्लांट इन टैक्सोनॉमी एंड केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग। द करेक्टर्स विच आर स्टडीड इन टैक्सोनॉमी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइज्ड सच एज एल्कलॉइड्स ग्लाइकोसाइड्स बिटर ग्लाइकोसाइड्स टैनिंस एक्सेट्रा। इसमें फैमिली के बारे में बताया गया जैसे अम्बेलीफेराई की फैमिली में कौन कौन से ड्रग केमिकल ग्रुप्स कौन कौन से आएंगे। वोलाटाइल ऑयल अम्बेलीफेराई की फैमिली में। अब कॉर्नकुलेसी उसमें केमिकल ग्रुप्स कौन से होंगे रेजिन्स। जेनिंशिनेसी बिटर ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज जिसके में हमने पढ़ा सबसे पहले क्रूड ड्रग्स की डेफिनेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज टू पार्ट्स में हमको डिवाइड किया गया ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में क्या होता है? ऑर्गेनाइज में होता है कि किसी प्लांट के किसी पार्ट को कंसिस्ट करते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्टेम रूट कुछ भी लीफ हो सकता है। और अनऑर्गेनाइज में क्या होता है जिसमें कि प्लांट का कोई पार्ट नहीं होगा लेकिन उसमें से नेचुरली
सॉलिड या लिक्विड मटेरियल वहाँ से पेंट किया जा सकता है, जैसे कि गम, ठीक। उसके बाद हमने इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी है, क्लासिफिकेशन में फर्स्ट थी हमने अल्फाबेटिकली, उसके बाद बायोलॉजिकली या टैक्सोनॉमिकली, उसके बाद थर्ड हमारे पास थी मॉर्फोलॉजिकली, फोर्थ फार्माकोलॉजिकली, फिफ्थ केमिकल क्लासिफिकेशन और सिक्स्थ कीमोटैक्सोनॉमी। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर। थैंक यू।